तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूं आपका अपना राजभाई और आज आपके सामने हंटर 350 मोटिवेशन दिखाने वाला है। इसके अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले वो देखने मिलेगी इसकी हेडलाइट जो कि देख सकते हैं ये है इसकी माइनस फोल्डरिंग थार लाइट, चाबी ऑन करते हुए जाती है वाइट। और अब करते हैं स्टार्ट, दिखाते हैं इसकी रोशनी। ये देखिए, ये आपका हो गया येलो रिंग एंड आपका हाई पॉइंट जल चुका है। ये आपका हो गया, सॉरी ये हाई है, ये लो है। लो पॉइंट पर आपकी येलो है, हाई पॉइंट पर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका वाइट। तो इसके बाद बंद करते हैं अब हम लाइट को। अब हम दिखाते हैं सबसे डिफरेंट चीज़ जो कि इसके अंदर लगाई गई है। ये शायद मैं इंडिया फर्स्ट कहूँगा तो कोई दोहराई नहीं होगी, इंडिया फर्स्ट है जो कि इसके अंदर लगाया गया है मीटर। ये आपका ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है बट ये इंस्टॉल किया है हमने, देख सकते हैं। ये आपका रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ हंटर का ओरिजिनल मीटर जो कि आप देख सकते हैं, एक साथ दो दो मीटर। और जल्दी इसको चालू करवाएंगे, आज टाइमिंग का शॉर्टेज थोड़ा ज़्यादा था इस चक्कर में ये चालू नहीं कराया हमने, सिर्फ इसको इंस्टॉल किया गया है। फिटमेंट देख सकते हो, काफ़ी जर्मन तरीके से की गई है इसकी। और लुक आप चेकआउट कर लो, दूर से देखने में लगेगा नहीं कि आपकी ये हंटर है, ऐसा लगेगा कोई और बाइक आपकी निकल के जा रही है। और साथ में आपको देखने में मिलेगा इसके अंदर इंडिकेटर जो कि LED वाले इंडिकेटर हैं, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं। लुक आप देख लो क्या ज़बरदस्त आ रही है इसे लगने के बाद। LED वाले इंडिकेटर होते हैं आपके, LED बल्ब जिनको नहीं लगाना, सीधा इंडिकेटर तो उनके लिए आपका इंडिकेटर लगा दिए गए पूरे तरीके से। इसका नीचे देखना, नीचे देखने मिलेगा आपको इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसके फॉक्स लाइटर जो कि रेड कलर की मैचिंग के लगा दिए गए इसे। इसके आपका शॉकर सेफ होते हैं और आपकी होती है डिस्प्ले भी पूरी तरीके से सेफ। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर, नीचे आपको देखने मिलेगा ये देख सकते हैं ये HJG के ओरिजिनल फॉग लैम्प जो कि आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको रोशनी दिखाता हूँ इसकी कैसी होती है। ये है इसका डेविल लाइट जो कि आप देख सकते हो रेड कलर का। इसके बाद मिलेगा आपको ये है इसका, आप देख सकते हैं ये है इसका फॉग का कलर जो कि आप देख सकते हैं। रोशनी काफ़ी ज़बरदस्त है, देख सकते हैं सामने कितनी विजिबिलिटी हो रही है इसकी। और अब दिखाता हूँ आपको दूसरा कलर, ये है इसका वाइट जो कि पूरा ही वार्म वाइट है, आप देख सकते हैं। रोड पे निकलने के बाद समझ लो रोड अपना हो जाता है इसे लगाने के बाद। और इसको ऑपरेट करने के लिए लगा देगा CNC वाला बटन जो कि आप देख सकते हैं, लुक चेकआउट करें ज़बरदस्त इसकी भी लुक आ रही है। साथ में इसमें लगाया गया एक CNC क्लैंप जो सेफ फिट है। फिटमेंट काफ़ी जर्मन तरीके से की गई है। ये आपका जर्मन लेग गार्ड है जो कि आपको ये भी मिल जाता है आपको हमारे पास। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर हैंडल राइजर, ये है इसके हैंडल राइजर जो कि हंटर 350 की ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों को हाइट का इश्यूज़ होता है, आपके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको हैंडल राइज करने के लिए सिंपली कुछ नहीं लगाना, हैंडल बार राइजर लगवा लो और हैंडल आपका ऊँचा हो जाएगा। और अब दिखाता हूँ आपको पीछे की तरफ, ये देखिए ये है इसके ब्लिंकर जो कि लगा दिए गए हैं, आपके ब्लिंकर जो कि आपका रेड और रेड दोनों तरफ रेड रेड मिलेगा आपको। और साथ में आज पहली बार आपने देखा होगा ज़्यादातर, जैसे इसमें फर्स्ट आपने मीटर देखा ना, ऐसे आपको दिखाता हूँ फर्स्ट इंडिया फर्स्ट आपका मीटर हो गया, डबल इंडिया फर्स्ट होगी आपकी हंटर के अंदर ये टेल लाइट जो कि आपने देखा होगा। वैसे तो यूनिवर्सल टेल लाइट है, किसी में भी लगा सकते हैं बट ये हंटर में फर्स्ट है। आपने देखा होगा इंटरसेप्टर वगैरह के अंदर जो कि हमने लगाया है, मेरी खुद की बाइक में लगा हुआ था ये, पहले मैंने हटा दिया। अब तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर लगा दिया गया है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटर, ये देख सकते हैं ये है इसका इंडिकेटर जो कि अब दिख रहा होगा आपको, येलो कलर का इंडिकेटर चलाएंगे तो इंडिकेटर चलेगा, राइट लेफ्ट दोनों इंडिकेटर चलेंगे आपके इसके अंदर। और भाई साहब फिटमेंट देखो आप, जो सबसे ज़बरदस्त मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना वो देखो फिटमेंट, ऐसा लगेगा नहीं कि ये आफ्टर मार्केट है। आप अगर वो देखोगे तो ज़्यादा डीपली जाओगे तो भी जज नहीं कर सकते कि ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट है, हमने लगाया है इसको प्रॉपर फिटमेंट का। तो इसकी जो जर्मन टेल है आपको पता ही है, गोल सी आते टेल वो हटा दी गई है और इसमें लगा दिया है। ये सिंपल बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग दे रही है। साथ में सीट कवर जो कि देख सकते हैं, ये भी आपको कुशनिंग वाला सीट कवर जो कि इसके अंदर लगा दिया गया प्रॉपर फिटमेंट के साथ जो कि देख सकते हैं आप। और अब मैं दिखाने वाला हूँ, ये भी फर्स्ट है हमारे पास, जैसे कि एग्जॉस्ट देख सकते हैं, ये हंटर का K-Indori ओरिजिनल, हंटर का K-Indori ओरिजिनल है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड, लुक देख लो क्या ज़बरदस्त आ रही है इसके लगने के बाद। और अब सुनाता हूँ साउंड, इंतज़ार हो गया ख़त्म। ये आपका हो गया आइडल पर, ये हो गया इसका थ्रोटल पर। तो भाई सब लुक चेकआउट करो, मेरे को बार बार लुक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना इस बाइक की लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है ये सारा सामान लगाने के बाद। आज फर्स्ट है कि हंटर में इतना दिल आ गया मेरा
कि इसकी वीडियो ख़त्म करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। आप देखो, आगे देखो, पीछे देखो, दोबारा से आगे आओ, फ्रंट में दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रंट की लुकिंग चेकआउट करो, और वैसे जो इस पर बैठेंगे ना, फ्रंट से लुक देखकर मज़ा आ गया। सिर्फ इसमें कमी है तो सिर्फ एक वाइज़र की, लेकिन वो वाइज़र इसलिए लगा, वाइज़र लगाने से लुक इसकी मीटर की हो जाएगी ख़राब, तो इसलिए वो हमने लगाया नहीं है इसके अंदर, जो कि मैं भी पर्सनली एडवाइस नहीं करूँगा उनको, सर को कि लगवाएं इसके अंदर। तो बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग आ चुकी है। अब इस ज़बरदस्त लुकिंग के ऑनर से मिलवाते हैं, जिनकी ये बाइक है, कि उनको काम कैसे, मैं तो एक्साइट कुछ ज़्यादा हो गया, उनसे पूछता हूँ। तो हेलो सर, तो सर आप कैसे हैं और आप कहाँ से हैं और आप कैसा रहेगा? मैं बांसवाड़ा रमेश नगर से आया हूँ, और इनका मैंने बड़ा नाम सुना हुआ था। जिस तरह से नाम सुना था उस तरह से ये भाई साहब हैं, काम जेन्युइन करते हैं, एक नंबर का काम करते हैं, रेट भी इनके ठीक है, और इनके जो फील्ड स्टाफ हैं, जो मैकेनिक वगैरह हैं, जो स्पेयर पार्ट फिट करते हैं, वो भी बड़े टैलेंटेड लड़के हैं। मुझे उनसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई है कि इनका जो टैलेंटेड स्टाफ है वो बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग ला के देता है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इनके पास में आया। और आपको भी गाइड करूँगा कि SKD पर आना आप, ये RS5 रोड पर और करोड़बाग में है, नाईवाला में। बाकी ये भाई साहब एड्रेस आपको बता देंगे। थैंक यू। तो भाई साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है, तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास रियल में जो हमारा स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, और कोऑपरेटिव के साथ साथ हमारे पास है प्रोफेशनल। जैसे कि मैं प्रोफेशनल हूँ, 25 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, और 2.5 ईयर से मैं करोलबाग के अंदर बैठा हुआ हूँ, और जो मेरा स्टाफ है ये भी सारा एक्सपीरियंस होल्डर है। मैं कभी भी स्टाफ चेंज नहीं करता, क्योंकि मेरी एक आदत है, जो बंदे हमारे परमानेंट है उनको मैं परमानेंट रखता हूँ, और वो मेरे पास हमेशा भाइयों की तरह रहते हैं। काम में एक नंबर, जैसे सर ने बताया, बिहेवियर में एक नंबर, जैसे हम ऐसा हमारा स्टाफ है, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी मिलने वाली है नहीं हमारे पास, ये हमारी गारंटी है। और हमारे पास जो भी भाई बंधु आते हैं ना, तो उनको खुद को ही पता है कि वाकई में हमारे पास जो है सारा ही स्टाफ कोऑपरेटिव, काम एक नंबर, जनमन काम है। और कराना है तो आपको कहाँ आना है, सीधा आना है राजू भाई की शॉप कर, जो कि मिल जाते हो दिल्ली करोलबाग नाईवाला के अंदर। हमारी दो शॉप हैं, एक मिलती है आपको 51 नंबर की कॉर्नर पर, जो कि SKD के नाम से, दूसरी मिलती है आपको 36 नंबर बैक साइड में हमारा है, और फ्रंट में देखें तो आर्य समाज रोड है, जो कि आप देख सकते हैं मेन रोड है आर्य समाज रोड, और हमारे सामने है द न्यू साउथर्न होटल अपोजिट, और ये भी हमारी शॉप है जो SKD के नाम से, ओनली फॉर SKD, जो कि कैपिटल लेटर के अंदर आपको देखने मिलेगी। और बहुत पुरानी शॉप है हमारी, और सबसे फेमस हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने काम करके नाम कमाया, बातों से हमने नहीं कमाया, काम करके नाम कमाया। तो ध्यान दें, हमेशा बातों पे ना जाएं, सिर्फ जाएं काम पर, काम आपको अच्छा मिलेगा तो आप ज़रूर पसंद करेंगे आना, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कहीं और हो। तो वीडियो चलो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें राजू भाई SKD को, जो कि मिलता है आपको इंस्टाग्राम पर भी, और सेम मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।